प्लस थ्री के अंदर सोनो नेट वाल कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये पहले ये स्विच बंद करनी है, ठीक है। यहाँ से हमने स्विच बंद करके मशीन बंद कर दी है, ठीक है। अब आएंगे हम अब सी ओ टू की तरफ। सी ओ टू को हमने बंद करना है, ठीक है। इस तरह से हमको बंद करना है। उसके बाद हमको कार्बोनेट के अंदर से सोडा ये गैस हमने पास कर दी, मतलब निकाल दी इसमें कार्बोनेटिंग में से, ठीक है। और अच्छी तरह से निकालनी है ताकि ये देखिए। अब इसको ये खोलना है सेफ्टी वाल हमने खोल दिया है। इसमें जो बच्ची को जी जो गैस हुई है निकल जाएगी। देखिए आवाज आई, इसको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा आहिस्ता से। अगर एकदम से खोलोगे तो पानी सब बाहर आ जाएगा और ये सब इसमें देखिए जो लगा हुआ है ये सब निकल जाएगा। इसका ध्यान रखना आपको, ये चीज़ गिननी नहीं चाहिए। देखिए सर, ये वाल प्लेट होती है और इस वाल प्लेट को आपको खोलनी पड़ेगी, ठीक है। ये दो इसको लगे रहते हैं यहाँ पे और दो साइड में। टोटल चार होते हैं, चारों खोलने पड़ेंगे। देखिए इसको फिर बाहर निकालना है। देखिए ये है सोनोनेट वाल, मैं इसको लाइट करके बता देता हूँ। देखिए दिख रहा है सोनोनेट वाल, ये आपको ऊपर की नेट खोलनी है, ये वाली। खोल दिए, इसको इस तरह से खोल दें, ठीक है। ये देखो इसको इस तरह से निकाल लेना है। इसको इस तरह से भी खोलना है, धीरे धीरे खोलना है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ध्यान रखना, ये पिस्टन है। इसके अंदर कचरा हो तो उसको साफ करना है। इसमें जो कचरा हो कचरा आपको साफ करना पड़ेगा। ये स्प्रिंग को अब ऐसे खींचना है एक दो बार, ठीक है। उसके बाद वापस लगा दो उसको और ये यहाँ पे वापस इसको इस तरह से फिट कर दो, ठीक है। ये वापस लग गया है। टाइट देखिए, टाइट कर लिया है अच्छी तरह से। इसको वापस इसको बिठा दो और ऊपर का नट वापस से लगा दो, देखिए, ठीक है। नट लगा के टाइट कर लेना है अच्छी तरह से। ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, बस जितनी टाइट होती है उतनी ही, ज़्यादा कस के टाइट नहीं करनी है। ठीक है, ये टाइट हो गई है, बस ये घूमते रहना चाहिए। हाँ, ये घूमते रहना चाहिए। ज़्यादा टाइट पर घूमेगा नहीं तो फिर आपका काम नहीं करेगा यार। सुनो मिनट बाद फिर इसके बाद में आप इससे पैनल लगा दो। ये वापस लगाना है को सेफ्टी वाल, ठीक है। जैसा लगाना था वैसा ही इस तरह से लगा हुआ है। उसको भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है।
जितना हाथ से हो सके इतना ही टाइट करना है, कोई स्क्रू से टाइट नहीं करना है, नहीं तो गैस पास नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद CO2 चालू कर दो। ठीक है, CO2 चालू कर दिया, प्रेशर मेंटेन रहेगा क्योंकि प्रेशर आपने जितना खोल रखा उतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मशीन की स्विच चालू करनी है, ये मशीन चालू करनी है, और ये आपका सोनोनेट वाल्व चेंज हो चुका है, देखिए। ठीक है, एक दो बार निकाल लेना है, पहले पहले धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, प्रेशर जब तक आएगा गैस भरेगी कार्बोनेट में, उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर बढ़ जाएगा। उसको इस तरह से निकालना है, देखो पंप मोटर चालू हो गई है, उसके बाद पानी भरने के बाद पंप मोटर चालू हो तो आपको पुश बटन नहीं दबाना है। पंप मोटर जब कटआउट हो जाएगी उसके बाद पुश बटन दबा के आप दोबारा से चेक कर सकते हो। ये वो कटआउट होगी, आप इसको वापस निकाल सकते हो। एक दो बार निकालना है आपको, पूरा निकलने दीजिए। अगर आपका फिर भी धीरे धीरे आता है तो यहाँ से सेटिंग करके थोड़ा हल्का सा लूज़ कर दीजिए, लूज़ करने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, देखिए। उसके बाद वापस से चालू करोगे तो आपको स्पीड रह जाएगी। ठीक है, ये वापस का चालू हो गए पंप मोटर, इसको कटआउट होने दो, उसके बाद कुछ बटन दबा के आपको फिर से चेक कर सकते हो। देखिए कुछ बटन, ये पंप मोटर बंद हो गई है, कटआउट हो गई है, देखिए प्रेशर बराबर आ रहा है, स्टार्ट हो गया, ये छोटा बनने चालू हो गया है। ठीक है, देख सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका सोनोनेट वाल्व चेंज हो चुका है, इस तरह आपको चेक करना है। सोनोनेट वाल्व की सर्विस हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।